हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज 19 तारीख है और मैं 20 तारीख के निफ्टी के व्यू पे लेके आया हूँ। 20 तारीख को निफ्टी कैसा रहेगा, कैसा पोजीशन बनाएगा। और जैसा मैंने आपको पहले बोला था कि ओपन स्काई तो खुल चुका था, 14 तारीख को ही मैंने बताया था आपके, ओपन स्काई खुल चुका था। और चाहें तो आप अपना मेरे 14 तारीख के वीडियो को जाकर के देख लें। ये 14 नवंबर को मैंने दिया था और क्या बोल बताया था आप 14 नवंबर को देखिए। खोल दी है, ओपन कर दी है, तो मैं इसलिए 11,000 प्लस का भी एक्सपेक्टेशन कर सकता हूँ कि 11,000 प्लस भी जाएगी। बट 11,000 में चूंकि सबसे ज्यादा 32 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, तो एक 11 लाख आप 11,000 पे हो सकता है आपको समझ में। लेकिन सबसे पहले इसको 26 लाख या 10,700 क्रॉस करने दीजिए। एक बार 10,700 के बाद ये सीधा आपको 11,000 प्लस दिखेगा। लेकिन मेरे को जो इस ऑप्शन चेन में एक चीज समझा दो जो मुझे समझ में आ रहा है कि रेसिस्टेंस तो 10,500 पे आ गया, ऊपर कहां तक जाएगा? ये ओपन बाउंड्री खोल दिया इसने, ऊपर का कोई रेसिस्टेंस नहीं, ओपन ऊपर हो चुका है, ऊपर कहीं पे भी मार्केट को लेके जाया जा सकता है। और आज का जो फ्लो सिस्टम रहा, जो चार्ट पे देखने को मिल रहा है, आप अगर आप इसको डेली चार्ट पे देखें, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, निफ्टी टुमारो व्यू ओपन स्काई 14 नवंबर 2018। क्या गजब का चार्ट है, यदि संभव हो तो पकड़ो। तो ये एक बताना था कि आपको ये बताया था, जो कि अब पकड़ से तो बाहर हो गया, 10,800 के लगभग तो जाने वाला ही। अब जब कल ओपन होगा तभी हो जाएगा, तो कोई बात नहीं। हम आगे के लिए बात कर लें, क्या है, कैसा रहा निफ्टी, कैसा पोजिशन ने आज क्या कहा। तो आज देखेंगे निफ्टी बहुत ही अच्छे तरीके से चला और इसके 70.37 शेयर एडवांस में रहे और 13 डिक्लाइन में रहे और 81 पॉइंट के बढ़त के साथ 0.76% बढ़त के साथ 10,763 पे क्लोजिंग दिया। मार्केट में RBI वगैरह का बहुत सारा न्यूज़ रहा, अल्टीमेटली कोई रिजल्ट नहीं आया, मार्केट अपनी दिशा में देते गया। बैंक निफ्टी 27,000 जो जाना उसको वहाँ जा रहा है और बैंक निफ्टी निफ्टी 50 जिसको 11,000 की तरफ जाना है तो वो अपनी 11,000 की तरफ जा रहा है। लोगों को उल्टा सीधा पढ़ाते पढ़ाते वो पोजीशन में बनाते रहता है, 25 पॉइंट नीचे गिराता है, 50 पॉइंट ऊपर चढ़ाता है। आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी पोजीशन बना के रहेंगे तो आपको बहुत ही फायदा होगा। मैंने आपको निफ्टी में 10,600 का आपको बताया था, 10,600 का कॉल आप जाकर के मेरे वीडियो में जाकर देख लीजिए, 10,600 का कॉल आपको 118 में बताया था, आज 223 में मिल रहा है, 100 रुपये का फायदा। मैं समझे आप 100% रिटर्न आपको मिल रहा है, आज 10,600 का कॉल जो है 223 में मिल रहा है। तो ऐसे अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कितना फायदा होता है। अभी भी आपको चाहिए तो 10,800 का कॉल आप 88 में मिल रहा है, अभी भी थोड़ा नज़दीक है बट फिर भी 10,800 का कॉल 88 में मिल रहा है, तो यहाँ पे आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। मेरा कोई पेपर बाय रिकमेंडेशन नहीं है, सारा पेपर ट्रेडिंग है। लेकिन आप अगर 10,600 में देखिए, जब पहले मैंने इसको 10,200 सबसे पहले मेरा आप देखेंगे 10,200 पे बोला था, अगर 10,200 का किसी का पोजीशन होता तो 582 पे, जब सिर्फ आपको 100 या 112 में ये बाय करवाया था। जब आपने यहाँ पोजीशन से आगे बढ़ा तब मैंने 10,600 का आपको 110 में बोला था, 112 में बोला था, अब जाके वीडियो देख लीजिए 118 के आसपास जो भी होगा, 110 से 118 पे। तो वहाँ से अब 223 चल चुका है, वापस मैं आपको 10,800 का बोल रहा हूँ 88 में। प्राय कोशिश करता हूँ आपको 100 के नियरेस्ट आपको दूँ और वहाँ से वो ऊपर जाए, तो 10,800 का 88 में मिल रहा है। यहाँ से अगर ऊपर 11,000 की ओर गए तो आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। एक चीज आपको वापस चार्ट में समझा देता हूँ, वापस जब डेरिवेटिव पे एनालिसिस करेंगे तो आप 10,700 जो कि आप देखेंगे, अगर आज की क्लोजिंग 19 नवंबर को 10,763 पे, तो अगर आप आज 10,763 की क्लोजिंग देखेंगे तो एट द मनी अगर हम जाएं तो 10,750 या 10,700 पे देखें। अब देखिए क्या हो रहा है, 10,700 पे 10,97,000 का आज ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है पुट पे और टोटल 18,80,000 का हो चुका है। आज केवल 10,700 पे ऐड हुआ, मतलब 10,700 भी नहीं टूटने वाला है, अच्छा खासा इसको सपोर्ट मिल चुका है वहाँ पे। उसके नीचे 10,600 पे 26 लाख का ही, 10,500 पे 33 लाख का है, तो 10,500 भी नहीं टूटने वाला है। और ऊपर की अब ये क्या हो रहा है, आप देखते हैं धीरे 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 जो ऊपर की ओर बाइंग हो रही है, नीचे की ओर 10,100 पे अनवाइंडिंग हो रही है, अब 10,000 पे अनवाइंडिंग हो रही है, 10,100 पे अनवाइंडिंग हो रही है, तो नीचे की ओर अनवाइंडिंग हो रही है और ऊपर की ओर एडिशन हो रहा है, तो सपोर्ट आपका ऊपर की ओर जा रहा है। और कॉल भी जो आप देखेंगे आप 11,000 पे आज पे 3 लाख शेयर का एडिशन हुआ है, तो आप भी अगर 11,000 का अगर 19 रुपये पे बाय आज अब भी चाहे तो 11,000 का 19 रुपये पोजीशन बना सकते हैं, इससे बहुत खोने को कुछ भी नहीं होगा, 19 रुपये सिर्फ जाएगा आपका। तो अगर 11,000 का आप 19 लेते हैं जो कि 3 लाख का एडिशन होता है, तो अब जो बचे हुए कुछ दिन है 4-5-6 जो भी ट्रेडिंग डेज, ज़्यादा ट्रेडिंग डेज नहीं है इसलिए प्रॉब्लम है, तो फिर भी आप 11,000 का पेपर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो 1950 ले लीजिए, यहाँ से भी आपको 25% तो जरूर रिटर्न मिल जाएगा। चलिए ठीक है, आज देखिए 3 लाख का इसमें एडिशन हो रहा है, तो आज 34 लाख टोटल एडिशन है, तो इसको 11,000 को करने में क्रॉस करने में इनको हालत ख़राब होगी। इनफैक्ट इसका 10,840 पे ही इसका बहुत बड़ा एक रेसिस्टेंस है ऊपर की ओर जाए तो,
तो मतलब ये बताना चाह रहा हूँ 10,850, यहाँ तो 10,800 ही 34 लाख का है, तो 10,800 भी इसको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट अगर ये 10,800 क्रॉस करता तो आपको 11,000 भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप देखें 10,800 के बाद आपको 10,900 पे 24 लाख का जो कि पहले नहीं था अभी बन रहा है, और फिर आपको सीधा 11,000 पे, तो मेरे अंदाज से 10,800 के बाद 11,000 थोड़ा ईजी हो जाएगा पहुँचना, तो वहाँ पर रेसिस्टेंस है। आज अगर देखेंगे तो FI ने क्या किया, FI ने आज देखे तो फॉरेन इन्वेस्टर अब बाइक चालू कर दिए, तो अगर उनको कुछ लग रहा होगा तभी अब इंडिया में वापस इन्वेस्टमेंट चालू किया उन्होंने, तो आज 1100 करोड़ का उन्होंने बाइक किया, और DI ने सेल किया 300 करोड़ का, तो भी ये निफ्टी का पूजा, अगर DI बाय करते तो और अच्छा हो जाता। अगर आपको मैं दूसरे तरीके ये बताऊँगा इंडेक्स में क्या रहा, तो सारे इंडेक्स गेन में रहे, सारे निफ्टी 50 हो चाहे जो भी हो, सारे सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया। बैंक देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचा, 27,000 का जो आपको बोला था, 27,000 का कॉल लेने बोला आपको, 25,200 का कॉल बोला था, अगर 25,200 का कॉल कोई भी लेकर रखा होगा तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आज 26,300 आप देखेंगे हाई बनाया 26,379 का, और 26,204 का लो बनाया है, और आज ये क्लोजिंग हाई के पास दिया है, 26,379 का हाई बनाने के बाद नियरेस्ट लगभग आपको 26 बैंक निफ्टी वहीं पे क्लोजिंग दिया है, मतलब ये कन्फर्म है 26,600 और 27,000, तो 26,600 जाएगा, फिर वहाँ से आपको 27,000 देखने को मिलेगा, तो ये अच्छा खासा आपको इसी वीक में देखने को मिल जाएगा। ऑटो सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा था आज, अच्छा खासा आपको पेज इंडस्ट्री वगैरह, पेज इंडस्ट्री में बाई चालू हो चुका है, अब पेज इंडस्ट्री में जिसको पोजीशन बनाना है वो बना सकते हैं, आज अच्छा खासा पेज इंडस्ट्री ने परफॉर्म किया है। आप देखेंगे तो यहाँ पे जो मोटर सेक्टर में आप देखेंगे तो जो परफॉर्म किया है मारुति ने किया है, आइसर मोटर ने किया है, MRF ने किया है, ये सब ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है। और अगर आपको और दिखाएं तो FMCG सेक्टर में चलते हैं, तो FMCG सेक्टर में अगर आप चलेंगे तो टाटा मैकडोनल्ड ITC वापस इंडेक्स को ऊपर उठाने के लिए आ गया, ITC और डावर, ये आप इंट्राडे कॉल पे भी रख सकते हैं, अगर किसी को बाय करना है तो इंट्राडे कॉल के लिए ITC और डावर दोनों रिकमेंडेड है, मेरे को भी है। और पेज इंडस्ट्री को भी आप बाय करें, पेज इंडस्ट्री 27,000 के लिए वापस ओपन हो गया है, तो वहाँ से आपको अच्छा खासा एक अपसाइड आपको देखने को मिलेगा पेज इंडस्ट्री में। उसके बाद अगर आप देखना चाहें तो ये तो सेक्टोरियल इंडेक्स का व्यू रहा, निफ्टी बताई दिया, जो निफ्टी पोजीशन बना आपका ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ इसलिए इसको थोड़ा सा फास्ट में बना दिया कि आपका ज़्यादा समय नहीं ले, तो निफ्टी ऊपर की ओर जा रहा है, निफ्टी ऊपर की ओर ट्रेंड दिखाएगा, अभी आपको बाइंग पोजीशन बता दिया, निफ्टी चार्ट पे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बुलिंग पोजीशन बनाया हुआ है, आप अगर इसको मैं आपको आवरली डेली चार्ट पे देखो तो एक बुलिंग पोजीशन हैमर टाइप का पोजीशन बनाया है जो ऊपर की ओर जाकर क्लोज हुआ है, तो ऊपर ही जाएगा। और अगर आवरली चार्ट पे आपको देखना है तो आवरली चार्ट पे दिखा देता हूँ, आवरली चार्ट पे यहाँ पे बुलिश बना और थोड़ा सा यहाँ पे आपको यहाँ पे पहले लोअर हैमर बना, हैमर टाइप का अपर लोअर हैमर ब्रिज पैटर्न था थोड़ा बना, बट यहाँ से इसको क्रॉस करते हुए अपर पैटर्न बना, क्या वॉल्यूम के साथ इसको उठाए सो देखिए, और लास्ट में थोड़ा जिसने भी शॉर्ट करके बैठा होगा शॉर्ट रिकवरी आई होगी, तो इसे आप चिंता मत कीजिए, इसे कुछ नहीं होने वाला अभी। और अगर 30 मिनट पे इस पर जाके आपको दिखाऊँ तो ठीक है, ये एक हाई फिर एक हाई यहाँ पे बनाया है, तो हाई पे हाई बना रहा है, और यहाँ पे RBI बॉन्ड्स मिड्स एमिड लो रो, यहाँ पे एक न्यूज आया आपको कि RBI बॉन्ड मिड्स एमिड रो विथ गवर्नमेंट इंडिया मार्केट्स ऑन गार्ड, छोड़िए ये सब न्यूज जो रहने दीजिए, न्यूज तो आते रहेगा, आने से कोई फर्क नहीं पड़ता ये सब न्यूज को। तो आवरली पैटर्न पे अच्छा खासा इसमें बना हुआ है, पैटर्न बना हुआ है, तो आप यहाँ से इसके आवरली पैटर्न को जा सकते हैं। अगर मैं आपको एक बार या सारे बाहर के मार्केट को दिखाने की कोशिश करूँ तो क्या चल रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो यहाँ आपको USA का जो मार्केट है वो निगेटिव दिखा रहा है, बट इंडियन मार्केट के लिए आपको प्लस पॉइंट बताता हूँ कि ये देखिए यहाँ पे जो अभी क्रूड में भी रिकवरी आ रही है, जो 65 तक चला गया था ब्रेंट ऑयल में, तो यहाँ पे रिकवरी है, ऊपर नीचे जाता रहेगा, आप उसको रहने दीजिए। आपको जैसा मैंने बोला है ये कि वापस 61 पे आएगा तो आएगा ही आएगा, अब ब्रेंट आपको पहले भी बताया कि 61 पे आएगा, तो आपको ब्रेंट आपको 61 पे आते हुए दिखेगा आपको। और US अगर देखें अपना USD INR तो 71 पे आ गया, जैसे इसको भी बताया था 65 पे ये आना है और उसको आना है 61 पे, तो ये आएगा ही आएगा, मार्केट अच्छा खासा आपको यहाँ से दिखाएगा। ये सब अभी निगेटिव दिखा रहे हैं, आगे जाके आपको पॉजिटिव हो जाएंगे जो भी US मार्केट दिखा रहे हैं। और अगर आपको एक बार
अगर मैं एक बार एसजीएक्स निफ्टी देख लूँ इसको, एसजीएक्स निफ्टी क्या दिखा रहा है, तो आपके कल के लिए पैटर्न अच्छा हो जाएगा। कल क्या होगा तो 752 या 54% का अप दिखा करके 785 दिखा रहा है, तो आपको ये भी दिख रहा है कि यहाँ से 800 की ओर जा रहा है, पैटर्न जाने को तैयार है, 800 की ओर निफ्टी जाने को तैयार है, तो हर जगह से पॉजिटिव सिग्नल है। तो कल आप 10800 के लिए तैयार रहिए जो अपना प्रॉमिस है। और अगर किसी को इंट्राडे में कोई पोजीशन बनानी हो तो आप इसमें से देखिए, जेट एयरवेज मेरा सेल का पोजीशन है ही, आपको बताया था 300। आज आप देखिए, अगर आज अच्छा खासा क्यों फ्यूचर बेचा होगा तो इसको यहाँ पे 322 की क्लोजिंग दिया। कल के लिए आप टाटा ग्लोबल पे अपनी पोजीशन देख सकते हैं, हिंडालको पे दे सकते हैं, डीएलएफ पे दे सकते हैं, ये सब आज जो सारे पॉजिटिव ट्रेंड पे चार्ट पे हैं, इन्होंने पॉजिटिव ऑप्शन बनाया। लेकिन अगर आप देखें कैटफिन होम, सीजे पावर तो अच्छा खासा वॉल्यूम दिया, 6% से सीजे पावर ने दिया है। रेमंड, पेज इंडस्ट्री में देखिए क्या सॉलिड यहाँ पे बाइंग चला आया है, 4% से पेज इंडस्ट्री ने गेन दिया है, अच्छी खासी यहाँ वॉल्यूम से बाइंग है। यहाँ पे इंडिसिजिव डिसीजन बना, यहाँ सेल हो रहा था, कंटिन्यू सेल हो रहा था, पर यहाँ से अपसाइड ले लिया। अभी अपसाइड एक बार आपको दिखाएगा और शायद यहाँ से आपको 30,000 को देखने को मिल सकता है। इसका जो पहला रेसिस्टेंस 28,000 के आसपास इसको क्रॉस करता है तो फिर आपको यहाँ पे 29,000-30,000 देखने को मिलेगा। तो आप इसको यहाँ पे जो इसने लो बनाया 25,000 के स्टॉप लॉस के साथ, आप इसको 30,000 के लिए आप इसको देख सकते हैं। पेज इंडस्ट्री को 25,000 का स्टॉप लॉस है पेज इंडस्ट्री में, और इसको 30,000 के लिए आप इसको चेक कर सकते हैं। सीजे पावर में जाए, सीजे पावर में अच्छी खासी गेन आपको देखने को मिल रहा है। सीजे पावर में भी अगर हम सीजे पावर के चार्ट को देखें तो क्या सॉलिड पैटर्न बना रही है, देखिए कंटिन्यू अपर साइड बना रहा है। तो आप यहाँ पे जो इसका ये जो लो 33 रुपये का लो है, तो 33 रुपये आप 30 रुपये का स्टॉप लॉस के साथ इसको बाइंग करते जाइए, और ये आपको अच्छा खासा अभी देखिए 42-45 रुपये तक आपको दिखा सकता है। अगर आपको बताएं तो ये एक मिनट, ये 43 रुपया और 43 क्रॉस करता है तो 50 रुपया, तो आपको यहाँ पे इसको 31 रुपये का स्टॉप लॉस रख के आप बाई करते रहे, और ये आपको अच्छा खासा। और अगर ये 39 रुपये क्रॉस करता तो एक नए जोन में घुसेगा, 42-50 के जोन में घुस जाएगा। 39 रुपये पे इसको हडल है, 40 रुपये के आसपास यहाँ पे जाकर के शायद ये जो कि आपका सुपर ट्रेंड का ये स्टॉक ये लेवल अपर लेवल है, तो यहाँ पे जाकर के यहाँ पे इसको 40 के पास 40 के आसपास आकर के यहाँ पे थोड़ा ये सीजे पावर में आपको थोड़ा कवर देखने को मिल सकता है। कोलगेट पामोलिव अच्छा पोजीशन दिखा रहा है मुझे इसमें से भी, जीएसएफसी जो दिख रहा है जीएसएफसी अच्छा दिख रहा है पैटर्न मेरे को, और टाटा ग्लोबल ये अच्छा पैटर्न दिख रहा है। डीएलएफ में आज बहुत ही अच्छी बाइंग हुई है, डीएलएफ में अच्छा ही बाइंग पोजीशन, और कल भी कंटिन्यू इसमें डीएलएफ में बाइंग पोजीशन बनी रहेगी। तो आप चाहें तो इंट्राडे कॉल के लिए आप यहाँ पे जितने स्क्रिप्ट जीएसएफसी, टाटा ग्लोबल, हिंडालको, डीएलएफ, भारत फोर्ज, कोलगेट पामोलिव, कैनफिन, ये जो भी बनाए हुए करंट डेट के इंट्राडे के लिए पर्पस से ये चार्ट को शो किया जाता है। तो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है ये इंट्राडे पर्पस से, आप किसी में भी इसमें पोजीशन चाहें तो आप बना सकते हैं इसमें से किसी में भी। ठीक है, वीडियो देखने के निफ्टी के व्यू को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और 20 तारीख को पोजीशन आप 10800 के लिए तो तैयार ही होंगे, अगर पहले से 10600 का कॉल लेके बैठे हैं तो बहुत ही अच्छा है, पोजीशन को होल्ड कीजिए। यहाँ से आपको 10800 पे देखने को मिलेगा निफ्टी, और बैंक निफ्टी 27,000 की, और पहला 26600 क्रॉस करने के बाद 27,000, ये व्यू है। और आगे कमिंग डेज के लिए, ये मंथ के लिए क्या है, डेली अगर ऑप्शन, अगर मैं निफ्टी पे व्यू अपना दूँ तो उसमें क्या होता है, थोड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन को नहीं दे पाते। तो मैं निफ्टी में सोचता हूँ कि अगर आपको वो कॉल और बाय रेगुलर दूँ, मैं जिसमें से क्या पोजीशन बना कर रहे तो बहुत ही अच्छा रहता है। जैसे 10200 का कॉल दिया, फिर 10600 का कॉल दिया, तो ऐसे पेपर ट्रेडिंग करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा, हमारे लिए भी। पहले मैंने उसको 24700 का बैंक निफ्टी बोला, फिर 25200 का बोला, और अभी अगर किसी ने भी 26,000 के बैंक निफ्टी को बाय करके रखा हुआ है तो बहुत ही अच्छा है। और जो भी है बैंक निफ्टी कभी भी बाय करें तो मंथ एंड का करें, 29 का करें, लास्ट डे का करें, जैसे आपको पहले भी बताया। इस बार भी आपको बैंक निफ्टी, आपको बहुत जल्दी हम बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 पे दिसंबर का क्या व्यू रहेगा वो आपको बहुत जल्दी हम आपको बता देंगे अपने वीडियो। आप देखते रहिए ऐसे ही, आप वीडियो को तो लाइक करते रहिए। और बहुत लोगों ने मॉर्फन लेबोरेटरी के बारे में पूछा, तो मॉर्फन लेबोरेटरी अभी निगेटिव पॉइंट चल रहा है, हो सकता है रिजल्ट के बाद थोड़ा हाइक आया था, बट एक बार मॉर्फन लेबोरेटरी नीचे की ओर दिखा सकता है, तो मॉर्फन लेबोरेटरी पे थोड़ा अपनी पोजीशन को उतना स्ट्रांगली मत बनाए। देखिए बहुत दिन से कम 2013 के बाद जो फॉल किया था, 2013 में जो उसने स्प्लिट होकर के 105 से फॉल दिखाया है, और उसके बाद 1-2 रुपये का फॉल बनाया, उसके बाद ये क्या कर रहा है, एक रेंज में फंसा हुआ है। ये इसका रेंज है 21 रुपये से 21-35, इस रेंज को नहीं तोड़ रहा है। तो मैं सोचा था इस पर वीडियो बना के डिटेल में दूंगा, लेकिन इसमें कुछ भी ऐसा कोई अट्रैक्टिव मेरे को नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं मॉर्फन पे कोई भी अभी वीडियो दे दूंगा आपको, बट उस पर कुछ भी ऐसा नहीं कि आप बाइंग पोजीशन बहुत बना करके रखिए।
21.35 अगर आपको इस रेंज के लिए बाय करना है तो स्टॉप लॉस 18 का लगा करके आप बाय कर लीजिए अभी मॉर्फिन को, और ये 35 तक आपको स्पाइक करेगा। तो अगर आपको मॉर्फिन लेबोरेटरी को जो एक मल्टी बैगर है मतलब लॉन्ग टर्म मतलब जब फाइनेंशियल इसके बहुत ही अच्छे आने लगे हैं, अभी भी बहुत अच्छे फाइनेंशियल नहीं आ रहे, प्रॉफिट तो जरूर है, सेल्स बढ़ा है, FDI का अच्छा खासा परमिशन मिला हुआ है, लेकिन अभी भी इसमें मल्टी बैगर बनने के लिए जो क्वालिटी होना चाहिए वो अभी नहीं है। तो इस ये 105 से फॉल किया हुआ है, आप समझिए स्प्लिट हुआ था, ये 224 का हुआ करता था मॉर्फिन, और वहाँ से स्प्लिट होकर के आपको यहाँ पे दिखाऊं तो एक बार आप मॉर्फिन पे खाली आपको दिखा देता हूँ, मॉर्फिन लेबोरेटरी के चार्ट को दिखा देता हूँ केवल आपको, तो आप देखेंगे तो ये इसको मंथली पे ले लेते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे जो था, ये जो था ना मॉर्फिन लेबोरेटरी 4/3/2000 को यहाँ स्प्लिट हुआ और 105 पे 1:2 फेस वैल्यू 10 का था, उसके फेस वैल्यू को 2 पे किया तो हर एक को 5 शेयर मिला, तो वहाँ से जो डिवाइड हुआ 1:5 का रेशियो है, 105 पे सीधा करके क्लोज हुआ। बट 105 के बाद जो ये फॉल करना चालू किया, कंटिन्यू फॉल करते रहा, और ये यहाँ लो यहाँ पे आप देखेंगे तो 2-3 रुपये तक का लो बना दिया। अब आप पूरे साल देख लीजिए, अब यहाँ से देखिए 2004 से देखिए ये क्या रेंज में चल रहा, ये इसी रेंज इतने ही में घूम रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो लो बनाता है ये आपको, ये 3-4 का लो है। अभी टाइमिंग आप देखें तो कुछ दिनों से ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये लो बनाता है, लो यहाँ पे बनाता है, यहाँ से आप 16-17 रुपये तक जाता है फिर आप ले लेता है। तो अभी एक चीज़ आपको बताऊँ तो ये अभी लो पे है, अगर किसी को बाइंग करनी है तो ये यहाँ से फॉल नहीं होना चाहिए, ये 15 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, यहाँ से बाई कीजिए आप अगर अभी भी कल के लिए, लेकिन निगेटिव है अभी, ये देखिए स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल बना हुआ है, अगर मैं आपको मंथली नहीं इसको डेली चार्ट पे लेके जाऊँ ना तो स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल बना हुआ है, लास्ट आवर पे जो इसका बना डेली बेसिस पे तो यहाँ पे अच्छा दिखा रहा है, इसको कवर करते हुए अप की ओर दिखा रहा है, तो हो आप चाहें तो इसको एक बार बाई की पोजिशन के लिए लोअर पे बना सकते हैं स्टॉप लॉस 15 का रख करके। बट जब मैं इसको आवरली पे दिखा रहा था तो एक सेल पोजीशन यहाँ फॉल के बाद एक पोजीशन और यहाँ पे हाइप लिया हुआ, शायद मैं किसी और का चार्ट देख रहा था फिर, तो ठीक है मॉर्फिन लेबोरेटरी को आप एक बार इसको बाई कर सकते हैं मॉर्फिन लेबोरेटरी पे, लेकिन आपको जैसा मैं बताया हुआ कि 15 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, 15 से नीचे जाएगा तो अच्छा खासा फॉल आपको देखने को मिल सकता है, 9-10 रुपये तक भी जा सकता है। तो 15 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको बाय कर सकते हैं मॉर्फिन लेबोरेटरी को, और ये जो जाता है आपको पहले ही बता दिया ये क्या जाता है, ये जाएगा आराम से 37 रुपये तक, 36 रुपये तक जाता है, वापस नीचे आ जाता है। तो ये रेंज बना लिया है 20 से 37 का, यहाँ आता है यहाँ से जाता है, तो इस रेंज को जब तक ये नहीं तोड़ता है, आप देखिए कितने बार यहाँ पे गया, ये देखिए यहाँ पे जाता है और फिर यहाँ से फॉलो के आ जाता है, तो ये रेंज में ये यहाँ पे मिडवे है, यहाँ पे क्या करता है 22-30 के बाद बार बार जंप ले लेता है। तो अगर ये 16 से 37 अब ये रेंज में घूमते रहिए, तो ये रेंज में अभी घूम रहा है और बहुत दिन से ये पड़ा हुआ है, तो अगर इसमें कोई ट्रेडर अच्छा खासा कोई ट्रेडर अगर इसमें आ गया और आपको बना दिया, मतलब समझे ट्रेडर आके बहुत दिन से ये अगर यहाँ से समझिए आप कि 2003 से ये भी यही रेंज में घूम रहा है, ये घूम रहा है, तो अगर आप जो 31 बोलें ये बनाया था 2002 में, तो 2002 से ये इधर ही घूम रहा है, आज कम से कम अच्छा खासा 18 चल रहा है, 16 साल से यहाँ पे घूम रहा है। तो अगर किसी ट्रेडर के हाइक में आ गया और एक बार ये क्रॉस करता है, अगर ये एक बार किसी भी तरह ना 45-50 क्रॉस करता है ना, तो आपको हो सकता है कि एक बार स्पाइक इसमें आने की चांसेस है। तो मैं बोलूँगा 45-50 क्रॉस करे तो आपको एक बल्क के रूप में यहाँ पे लेना चाहिए, और फिर ये आप एक बार ट्रेंड दिखा सकता है और वापस आपको 60 फिर 75 और फिर 90 तक जा सकता है, तो आप इस रेंज में इसको ले सकते हैं। लेकिन अभी जो है अगर किसी को करना है तो लोअर साइड में है, यहाँ पे 22 से ही पिक होता है, 22 से जाता है 37, तो आप इस पोजिशन के लिए बाई कर सकते हैं 22 से 37, बट स्टॉप लॉस एक बार जरूर लगा लीजिएगा 15 रुपये 85 पैसे का, मतलब 15 रुपये के आसपास का, अदरवाइज ये नीचे आपको हो सकता है 10 रुपये फिर 9 रुपये तक भी दिखाई देते, फिर आप उस समय ब्लेम कीजिए। मॉर्फिन लेबोरेटरी बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस आपको 15 रुपये का लगाना है। वीडियो देखें, जो भी आप पोजीशन बने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें, ये सारी चीज़ मैंने एजुकेशन पर्पज से दिया है, और अगर आपको कमेंट करते हैं तो मैं किसी न किसी वीडियो में कवर कर देता हूँ, आप ये मत सोचिए ये निफ्टी का भी हो, मैं यहाँ पे आपको पेज का भी कवर कर दिया, जेट एयरवेज भी कवर कर लिया आपको अच्छे खासे, मैंने आप देखिए क्या क्या चीज़ यहाँ पे कवर हो गया, DLF कवर हो गया, कैनफिन हो गया, CJ पावर जो अच्छा खासा बम था उसमें, रेमंड हो गया, तो ये सब पे आप
व्यू भी आ गया आपको, मिल भी गया। अगर कोई पोजीशन बनाए हुए हैं तो उसमें व्यू भी है। ए बी कैपिटल वगैरह आपने अगर कल बाय किया होगा जो कि मेरा प्रीवियस था, तो आज आपको गेन में होंगे आप लोग सब लोग, चाहे वो ए बी कैपिटल हो, चाहे आपने बाय किया होगा ए बी कैपिटल, एवर रेडी अगर बाय किया होगा आपने, यस बैंक देखिए हो गया फायदा। यस बैंक जब एक फ़ोन आया था मुझे, जब वो नीचे जा रहा था, जब मैं किसी ने 190 में शायद खरीदा था और 180 गया था, तो उसने पूछा क्या करना है। मैंने उनको बोला था बाय कर लीजिए ये अच्छा जितना, क्योंकि ये 180 से नीचे जाता नहीं है और बहुत से बहुत 160 जाएगा, तो लोअर साइड इसकी बाउंड्री कम है, अपर साइड इसकी स्कोप है। और अभी भी बता तो 215 तोड़ना बहुत तकलीफ है, 215 पे अच्छा खासा रेसिस्टेंस है इसको, तो 215 पे चाहें तो आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि 234 इतना जल्दी क्रॉस नहीं करेगा, आप समझिए कि बहुत ही इतना ईजी भी नहीं है उसको क्रॉस करने का। और अगर किसी ने यस बैंक का कॉल लिया होगा, जो यस बैंक का कॉल बोला गया था लेने के लिए, अगर किसी ने यस बैंक का 200 का कॉल लिया होगा, तो आज वो सोचिए 200 क्रॉस कर चुका है, तो आज आप अच्छे खासे गेन पे बैठे होंगे। देखिए 200 का आपको अगर किसी ने भी आज लिया होगा, तो उस दिन लिया होगा जिस दिन ये यस बैंक का कॉल था, तो आज 13.30 रुपये भी क्लोजिंग दिए हैं। और आप देखेंगे इसमें तो इसने हाई 14 का बनाया, 9.50 का लो बनाया। अगर उस दिन नहीं भी लिए होंगे, अगर लास्ट टाइम में भी उन्होंने कोई 10 रुपये पे लिया होगा, उस समय शायद 8 रुपये 10 रुपये ऐसे 10 रुपये का ही था, तो 10 रुपये पर उन्होंने किसी ने लिया होगा, तो आज 14 रुपये 4 रुपये का आज, चलो कोई नहीं भी बेचा होगा तो भी आज 4 रुपये के गेन पे है। और ये लॉट 1750 का लॉट साइज है, तो 4 रुपये तो आप गेन पे ही हैं, आपको 50 आपके समझिए आप क्या इन्वेस्ट किया और क्या निकल गया। ये नहीं बोल रहा हूँ कल एग्जिट होने के लिए, मैं एग्जिट होने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये अच्छा खासा है। ये आपको सॉरी ये नवंबर का था, दिसंबर का कॉल था वो, वो दिसंबर का कॉल था, और दिसंबर का ये हाई बनाया है 24 रुपये में, और लो था 20 रुपये, और मेरे अंदाज से वो आपका जो था वो 14 रुपये के आसपास था, 14 के आसपास था, तो 10 रुपये का आज आपको गेन हुआ होगा। आप जाकर के मेरे पुराने यस बैंक के कॉल को वीडियो को देख सकते हैं, मैं चाहूँ तो मैं ही आपको दिखा दूंगा, लेकिन आप यस बैंक के कॉल को खुद भी, क्योंकि इसमें ज़्यादा लंबा टाइम हो जाएगा, आप यस बैंक जेट एयरवेज पुट एंड आगे क्या स्ट्राइक रेट 300, आप यहाँ पे देखेंगे तो मिल जाएगा आपको, यस बैंक का कॉल मिल जाएगा आपको। पिछले स्टॉक में क्या पिछले सपोर्ट रेजिस्टेंस यस बैंक मल्टीपल ये जेट स्ट्राइक 300 जेट एयरवेज पुट, अब आगे क्या करें। यस बैंक का कॉल यहाँ पे है, यस बैंक ये है, यस बैंक का कॉल 210 का आपको लेना है, ये वीडियो में आपको बताया गया है, यस बैंक का कॉल 210 का लेना है। 210 दोस्तों कैसे हैं, आज 16 तारीख है और मैं आपके लिए कुछ ट्रेडिंग कॉल्स पोजिशनल कॉल्स 190 का आप लें, अगर बहुत ज़्यादा कॉस्टली आपको लगता है 195 का लें, 210 और भी कॉस्टली लगता है तो 200 का लें। और आपको जो यहाँ पे 200 का मिल रहा था कॉल, वो मिल रहा था यहाँ पे लास्ट ट्रेडेड प्राइस 18.90 रुपये था, और अगर आप देखें यहाँ पे तो 210 का जो था 14.80 रुपये पे था, तो 210 का कॉल 14.80 रुपये पे बोला गया था, तो आज अगर आप देखेंगे तो 2 दिसंबर 14.80 रुपये पे था, तो 210 का कॉल आपको 19 रुपये पे मिल रहा है। आप देखिए वो वीडियो जाके देख लीजिए और यहाँ पे, तो इसलिए 14 रुपये का कुछ याद तो आ रहा था मुझे, तो 14.80 रुपये था, कोई बात नहीं, और 19.10 पे यहाँ पे आज गया हुआ, आज पे आज ही देखेंगे तो ये हाई कितने का बनाया था, 19.35 का हाई बनाया था और हाई पे जाके क्लोज हुआ है। एक अच्छी बात और बता देता हूँ, जो हाई बनाया है उसी पे हाई पे क्लोज हुआ है, तो ये कल और हाई बनाएगा, इसका मतलब ये हाई बनाना भी बाकी है इसका, तो आपको तो डबल का रिटर्न लगभग कल तक मिल जाएगा आपको। चलिए अच्छे खासे प्रॉफिट पे कोई भी होंगे तो पेपर पे अच्छे खासे प्रॉफिट पे बैठे होंगे। ये सारे निफ्टी पे अपने व्यू थे निफ्टी ओपनिंग में, तो अब निफ्टी पे वापस आ जाता हूँ कि निफ्टी अच्छे खासे पॉजिटिव पॉइंट पे गेन दिया है, और आज का गेनर भी यस बैंक था, आईटीसी था, टाटा मोटर्स था, इंडसलैंड बैंक था, वेदांता था। वेदांता की बाइंग मेरी 200 रुपये से कराई हुई है, अगर किसी को याद हो तो 202 से ही यस वेदांता की बाइंग की हुई है। और अगर इंडिया बुल गेल बजाज फाइनेंस आईसीआईसी बैंक और एसबीआई में यहाँ पे सेल है, आईसीआईसी बैंक अगर फॉल करता है तो आपको बाय करना चाहिए, आईसीआईसी बैंक अच्छा स्क्रिप्ट है, और आपको अगर अगर वापस आपको लोअर लेवल पे मिलता है तो 370 के टारगेट के लिए आईसीआईसी को बाय कर सकते हैं। और टाटा मोटर्स एक अच्छा खासा स्पीक दिखा रहा है, स्पाइक दिखा रहा है। आईटीसी और यस बैंक जरूर से जरूर अपने पोर्टफोलियो में रखें, इंडेक्स मैनेजमेंट अब अगर ऊपर की ओर जाएगा तो यही दोनों करने वाला है, इसमें आईटीसी का बहुत बड़ा आईटीसी एचडीएफसी रिलायंस का बहुत बड़ा हाथ रहेगा इंडेक्स मैनेजमेंट करके ऊपर 11,000 पे पहुंचाने के लिए।
तो यहाँ से आपको अच्छा खासा ITC में, आप चाहें तो ITC में बल्क बाइक बाइंग कर सकते हैं, आपको कोई लॉस नहीं होगा। ये 295-97 तो जाना ही इसको है, तो ITC में एक अच्छा खासा पोजीशन आप चाहें तो बना सकते हैं। बस निफ्टी दे आज के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।